खबर छपरा बिहार से है, जहां अमनौर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी सुनील राय को टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद सुनील राय अपने समर्थकों के साथ सबसे पहले मां अंबिका भवानी जाकर पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिए। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देने का काम शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज सारण जिला के जिला अध्यक्ष सुनील राय को पटना के पार्टी कार्यालय में आरजेडी का टिकट दिया गया। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने अपने हाथों से टिकट देकर सुनील राय को अमनौर विधानसभा से चुनाव लड़ने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद सुनील राय अपने समर्थकों के साथ मां अंबिका भवानी जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं भेल्दी बाजार पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने सुनील राय को माला पहनाकर जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं मुखिया रमेश राय, मुखिया संतोष कुमार यादव, बब्बन कुमार, मुन्ना राय, सुमित यादव आदि लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए अमनौर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी सुनील राय ने पार्टी के द्वारा टिकट मिलने पर क्या कुछ कहे, देखिए यह रिपोर्ट। आरजेडी ने आप पे विश्वास कर इस बार टिकट दिया, क्या किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में वोट के लिए जाएंगे? जनता के बीच जाएंगे, सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है, आपके सामने है, कोरोना से बीमार है, बाढ़ से परेशान है, किसान की समस्या वैसे ही है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, कितना समस्या गिना। बहुत जगह बाढ़ भी आया और जीआर की राशि अभी तक नहीं आई, लोग हैं परेशान, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या पहल होगी? अब सरसाही पर 3000 रुपए सुरक्षा दीजिए, 6000 पाइए, अब सरसाही चरम सीमा पर है, सरकार के लोग कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है, अफसर के सामने झुक गया है और अफसर के मनोबल बढ़ा हुआ है, अफसर से अगर आवाज उठाते हैं तो 353 दफा है सरकारी काम में बाधा। यही आरसीपी सिंह जब आए तब नॉन अवेलेबल सेक्शन बनाए, लालू यादव के राज में अवेलेबल सेक्शन था, अफसर डरता था, कौन नहीं जानता है। आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारों के लिए पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने की बात की है और करके दिखाएंगे, ऐसा देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है, कहीं का मुख्यमंत्री नहीं है कि ऐसा घोषणा किया हो। बहुत से लोग आरजेडी के टिकट के लिए यहाँ से दौड़ में थे, उनको क्या कहेंगे? मेरा भाईचारा है, सब लोग मेरा भाई है, सब हम लोग एक जगह बैठकर समझ लेंगे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।